ॐ जय कृष्णाय नमः जग तारक है आए चरणों में नमो नमः ॐ जय गुरुदेवाय नमः भक्त वत्सल कृपालु कृपा है करते स्वामी कृपा है करते झोलियां है भरते ॐ जय गुरुदेवाय नमः। कबीर हमारा कोई नहीं हम काहूं के नाय पारे पहुंची नाव ज्यों मिलके बिछुरे जाए। कबीर साहब कहते हैं कि हम इस परिवार में आए समझे कि नहीं हमारा सब कुछ है, हमारा भाई है, लड़का है, पत्नी है, चाचा है, काका है, यह है, वह है, सबसे हम संबंध जोड़ लिएगा कि सब हमारा है। लेकिन सच पूछो जब समय आया, कैसे वह कथा कहा कि मरने पर यह सच पूछ समय पर जब आया तो कोई अपना नजर नहीं आया, हम गलतफहमी में थे। ऐसे ही यह परिवार नजर आ रहा है जैसे कि हम नदी पार करने के लिए उस नदी में पहुंचते हैं और विभिन्न तरह के लोग आकर के एक जगह बैठ जाते हैं उस नदी नौका पर और हमसे परिचय हो जाता है, हम समझ लेते हैं कि अपना ही है और नदी उस नौका से उतर करके प्रत्येक आदमी अपने अपनी दिशा में चल देता है, कोई किसी से पूछता नहीं। उसी तरह से परिवार में भी आकर के बाल बच्चा को हम फैलाते हैं, पैदा करने से फैलाते हैं, पढ़ाते हैं, अब हमारा काम हो रहा है, वो पढ़कर उधर टटा चल दिया, वो पढ़ उधर चल दिया, वो चल दिया, फिर हमारा कोई हाल चाल पूछता नहीं है, सब टटा कर दे। कोई थोड़े ही दिन के लिए आया, उतने ही दिन में अपना मृत्यु को प्राप्त करके चला गया, कोई कुछ दूर जा रहा है तो कहीं और चला गया, तो कोई किसी को पूछता नहीं है। हम जबरदस्ती समझ लिए हैं कि हमारा है। कबीर साहब कहते हैं हमको समझ में आ गया कि हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं है, लेकिन आप सब लोग समझता है कि हमारा कोई है, इसलिए दोनों हाथ से जकड़ कर बैठा कि छूट मत जा लेकिन कितना हो पकड़े रहो। जैसे जैसे उसका अपना काम पूरा होते जाता है वह टाटा कर देता है और एक दिन पाता है कि माता पिता अकेले हैं, तब तक से वह माँ भी जो है अपना पूरा काम को वो भी टाटा चल जाती है, तब जब पति है अब कहता है अगर घूमता चलता है तब तक से वो भी सब टाटा एक दूसरे को करके चलते चले जा रहे हैं और हम मुंह में पकड़े हैं कि नहीं हमारा है, यह हमारा है, हमारा बात मानो, हमारा बात मानो, कोई किसी का है नहीं। कहते हैं पारे पहुँचे नाव ज्यों मिलके बिछुड़े जा, जैसे नाव के पहुंचते ही सब एक दूसरे दिशा में चल लेता है, कोई कोई से पूछता है अरे भैया तू कहाँ जाएगा, सब अपने अपने गंतव्य पे। उसी तरह से है यह पारिवारिक बात है, नाव के तरह संजोग है हम लोग मिल गए हैं, पहले से प्लानिंग नहीं थी कि वह आत्मा हमारे यहाँ आ जाओ मैं आ गया हूँ, फोन किया है, चिट्ठी दिया है, फलाना आत्मा आ जाओ हमारे यहाँ जन्म लो, फलाना जीव आ जाओ, कोई नहीं, सब अपने से आ गया संजोग से, सब अपने अपने रास्ते पर निकल जाएगा। लेकिन इतनी बेचैन क्यों है, तब तक से तू बेचैन हो रहा है जब तक से नाव से उतर कर अपने तरफ चल नहीं दिया। इसलिए साहब कहते हैं कि यह सचराचर समझ लो मिलके बिछुड़े जाए, सब बिछुड़ जाना है। इसलिए देखो हमारी आदत पड़ गई है, हमारी आदतें यह समझो सोचते हैं जो ना, आदत ऐसी बन गई है सब लोगों के प्रति हमारे एक दूसरे के प्रति, हमारी आदतें सोच से 30 गुनी बड़ी है, नहीं जानते जानो, इतने हैबिचुएट हो गए किसी आदत को बोलने के, खाने के, पीने के, किसी के साथ रहने का, 30 गुनी बड़ी है सोच से, सोच सोचते हम आदत बन गई है। और इन आदतों से 108 गुना प्रकृति बड़ी है, इसलिए प्रकृति तुमको कुछ होने नहीं देती, मार डालती है एक साथ, तुम्हारी आदतों से प्रकृति 108 गुनी बड़ी है और प्रकृति से भी परमात्मा अनंत गुना बड़ा है, इसलिए उस परमात्मा को पकड़ लो और तू अनंत की यात्रा में निकल जाएगा। लेकिन हम लोग गुरु के हैं तो आते हैं उस परमात्मा को पकड़ने के लिए, परमात्मा के रास्ते पर जाने के लिए, उसकी बात करने के लिए, लेकिन फिर लग जाते हैं गुरु जी जरा दिन देख दीजिएगा, तो कहाँ है खतरे बच्चा, तो ये लड़कियाँ के शादी है आए अच्छा चलो अच्छा वही देखना पड़ता है,
यह दिन फिर पंचांग निकालो। अच्छा गुरु जी अब देखिए ना ये करना है, पोता हो गया उसका, जरा हम लोग यह बढ़ते जाते हैं, असली अपने पथ से छूटते जाते हैं। यदि हम ठीक ठीक उस पथ पर हैं, यह पथ तो अपने आप चलते रहेगा, बाई प्रोडक्ट है, बिना चिंता किए भी चल रहा है, यह प्राकृतिक है, प्रकृति है, प्रकृति चल देगी, वह कहाँ रुकने वाली है। इसलिए कि तुम्हारे आदत से भी 108 गुना प्रकृति बड़ी है, वो आगे आगे आपके चलेगी। कहते हैं कबीर सब जग हेरिया मिल्या कंध चढ़ाए, हरि बिना अपना कोई नहीं देखा ठोक बजाए। अब कबीर साहब कहते हैं कि सब जग में हम हेर हेर कर खोज खोज कर देखिए कौन हमारा है। हम बहुत जगह कबीर साहब कहे खोजे, आगे हम फलाना दिन को चलेंगे, हम वैकुंठ चलेंगे, सतलोक चलो हमारे साथ, कोई नहीं तैयार हुआ जाने के लिए। कहे बिना टिकट के ले चलेंगे, फ्री चलेंगे, कौन एक नहीं आया उस समय में। तब कहते हैं कि सब जगह हेरिया, सब जगह हेरिया माने एक एक से महीनी से एक एक आदमी से मैं खोजा कि चल हमारे साथ कौन चलेगा, कौन परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, कौन सतलोक यात्रा करेगा। कहते हैं एक को नहीं मिला, मिले हो सब कंध चढ़ाए, सबको हम बहुत दिन से जोड़े थे, खिलाकर पिलाकर उसका कुछ काम करके कुछ उसका मनोकामना पूरा करके नाती पोता दे करके बहुत मिलाए थे कि अब तो हमारे साथ चलेगा, लेकिन जब उस परमात्मा के रास्ते पर चलना हुआ तो सब छुड़ गया पीछे, ना हम नहीं जाएंगे, चल हम बुड़बक बनाया हमको अरे यार तो असली रास्ते पर तो जाने के लिए कोई मिला ही नहीं। तब हमको मालूम हो गया कि जितने दिन से हम इन लोगों को से रहे थे, अपना बना रहे थे, ये कोई अपना नहीं। तब कौन अपना है यार, तब कह रहे हैं आकी हरि बिना अपना कोई नहीं देखिया ठोक बजाए। उस परमात्मा के बिना अपना कोई नहीं, ठोक कर देख लिया, खूब ठोका बजाया, तू है हमारे साथ बस वह रास्ते पर, अनंत रास्ते पर निकलने के लिए, उस परमात्मा के अनंत रास्ते पर जाने के लिए अकेले वह हरि ही है, हरि ही तुम्हारे साथ जा सकता है। तब भाई क्यों तुम अब तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हो, इन लोगों के चक्कर में, छोड़ो तुम भी हरि के ही साथ लग जाओ। लग जाएगा अब नहीं लगेगा क्या जी आशा जी लग जाएगा तब कांट इनक्लेव के चक्कर में पड़ेगा जा ठोक बजा कर देख लो कोई अपना नहीं है, बस एक हरि ही उस रास्ते पर जाएगा। आगे कहते हैं कि निसरा पे बिसरा नहीं जो निसरा ना काय, पहले खाद उबालिया सो फिर खाना ना। निसरा पर बिसरा बड़ा भोजपुरी में कहते हैं, निसरा पे बिसरा नहीं मैंने साधु होने के लिए घर से निकल गया, लाल वस्त्र पहन लिया नहीं संन्यास ले लिया, निसरा निकल गया भोजपुरी है, बिसरा ना लेकिन विस्मरण नहीं हुआ, घर विस्मरण नहीं हुआ, वासना विस्मरण नहीं हुई, काम क्रोध मद मोह लोभ विस्मरण नहीं हुआ, सब मुझे सता रहे। तो यह घर से निकलने के लिए फायदा का हुआ, यह जो है दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा, मनना रंगाए रंगाए जोगी कपरा भी साहब किसी को छोड़ते नहीं हैं। देखो कहे कि निसरा पाए बिसरा नहीं, निकल तो गया लेकिन जिसको विस्मरण होना चाहिए, जिसके लिए मैं निकला घर से बाहर कि यह भूल जाए, घर भूल जाए, यह वासनाएं भूल जाए, काम क्रोध मद मोह सब वासनाएं भूल जाए, लेकिन न घर वे भूल रहा है न वसन वे भूल रहा है। तो बड़ा टंट मार रहे हैं कबीर निसरा नहीं, समझ गया बच्चा तू तो निसरा कहां है। कहते गरे मूर्ख क्यों निकला रे। अब यहाँ पर बड़ा कड़क कबीर साहब बोलते हैं, क्योंकि काशी में है, काशी में देखते हैं सन्यासियों को साधुओं को, आग निकला ही क्यों, जो भक्त घर भक्त, यह निकलने से क्या फायदा कि घर तो निकल आया है लेकिन यहाँ वासनाएं तुमको तंग कर रही है, घर के लड़का लड़की माँ बहन सबको तंग कर रही है, मन में रात दिन घूम ही रहा है, तो क्यों तुम न यहाँ का न वहाँ का। अब कह रहे हैं बड़ी डांट रहे हैं, पहले खाद उबालिया सो फिर खाना खाना। कहते कि यह ऐसा है जैसे कोई अपने मुंह में से उगल दिया और फिर खा ले,
उसी तरह से जो संन्यास ले लिया और छड़कर घर चला जाता है, लौट जाता है, वह टट्टी खा रहा है, वह अपनी युति खा रहा है। यह भी लोक नसाया, वह भी लोक नसाया, बड़ी कड़क कबीर साहब कह रहे हैं, क्यों ऐसा तुमने कर लिया। इसका मतलब उनके सामने भी था, बड़े कड़क कह रहे हैं कि यह क्यों किया भैया, पहले खाद खाद उबा लिया, फिर सो फिर खाना ना, यह खाना फिर नहीं खाया जाता है। आदमी एक बार खा लेता है फिर उगल कर कुत्ता ना खाता है, अरे आदमी खाता है, कहीं देखा उबल कर फिर खाए, या फिर आदमी टॉयलेट करे, शौच करे, फिर उसको खाए, यह नहीं होता है। इस सन्यासी को साधु के जो रास्ते पर चला है, एक बार चल दिया तो मृत्यु फिर मुड़ मुड़ क्या देखे, कहे मुड़ मुड़ महीने देखना है, चल दिया तो चल दिया, तो सती का खेल है, सती सुरमा का खेल है, चल दिया तो चल दिया, कफन बांध लिया। लेकिन यह जो है कह रहे हैं, जो लौटता है या जो करता है, वह कुत्ते का खाना है, शौच का खाना है। इधर साधुओं को बड़ी कड़क बात बोल रहे हैं, संयोग से ही बात आ गई, ऐसी समाज ही आ गई है, बड़ी कड़क बात। कबीर साहब किसी को छोड़ते नहीं हैं। देखो यह तभी तक बात होती है जब हम समझ लेते हैं कि हमारा शरीर ही सब कुछ है। जब शरीर ही सब कुछ है तभी तक वासनाएं घेरती है। जब समझ लेते हैं शरीर कुछ है ही नहीं। एक सन्यासी युवक जा रहा था रोड पर और वह परमात्मा को स्मरण कर रहा था। जो सन्यासी होगा परमात्मा को स्मरण करेगा, अपने गुरु के आदेश पर अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है, वह अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा, अंतर और बाहर सुंदर दिखाई पड़ेगा। जो अंतर कुछ है बाहर कुछ है, वह जो है सुंदर होते हुए कुरूप दिखाई पड़ेगा। इसलिए वह अत्यंत सुंदर था, दिखाई पड़ रहा था, जिधर जा रहा था झूम रहा था, वातावरण झूम रही थी, मालूम होता है कि बड़ा एक स्वर्गीय आदमी जा रहा है। एक महल से निकल रहा था भिक्षा लेकर के, तब तक से उस महल के ऊपर एक लड़की खड़ी थी, वह लड़की देखी और अपने पिता से जाकर कही कि पिताजी वह जो जा रहा है झूमते हुए लड़का बड़ा सुंदर मुझे मालूम हो रहा है। तब लड़की, वो इसी से मेरी शादी हो गई। अरे यार, राजा ने उस मंत्री से कहा कि देखो कौन युवक जा रहा है, मैं राजा हूँ, यहाँ का मालिक हूँ, और उसे अपनी इकलौती लड़की की शादी कर दो, उसका भाग बदल जाएगा, पकड़ कर लाओ, हमारी लड़की किसको पसंद कर ली रास्ते चलते। मंत्री बूढ़ा था, देखा दूर से, कहा कि महाराज वह आदमी नहीं है, युवक नहीं है। तब क्या है, लड़की बोली क्या है, कहा कि सन्यासी है। सन्यासी क्या कहलाता है, युवक तो है, कहा कि युवक नहीं है सन्यासी, 5 वर्ष का भी भारत में सन्यासी पूज्य होता है, वह न युवक है न वृद्ध है, वह तो सन्यासी है। और सन्यासी सुंदर तो लगता ही है, सन्यासी का कुरूप लगता है। राजा कहा क्यों बात बनाने में मंत्री विलंब कर रहा, पकड़ो पहले, पहले पकड़ो। कुछ पुलिस प्यादे छूटे और जाकर सन्यासी को पकड़ा, ऐ सन्या रुको, कहा क्या है भाई, राजा बुला रहा है। हमको राजा से क्या मतलब, चल हट, मुझे क्या बिराने पड़ी है उस तुम्हारे राजा से, मुझे जाने दो। कहा कि समझ नहीं रहा, देखो तलवार, कहा कि तलवार तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, चल हट। वह सन्यासी झटका, कहा कि चलो बुला रहे हैं, 10-20 पुलिस वाले पहुंच गए, पकड़ कर ले गए जबरदस्ती, लेकिन उसके चेहरे पर जाना भी उसको भय नहीं, शिकन नहीं। राजा कहा कि सन्यासी तुम सुंदर हो और तुमसे भी सुंदर है, देखो मेरे सामने लड़की खड़ी है, तुम्हारा आज भाग्य बदल गया। कि अच्छा हमारा भाग्य को राजा आप बदल दिया, तो क्या कहा बदल दिया, हमारा भाग तो पहले ही बदल चुका, अब बार बार बदलेगा। कहा कि हाँ नहीं, अब तुम्हारा भाग बदल चुका, मेरी इकलौती लड़की है, इसे शादी कर ले और पूरा राज्य का उत्तराधिकारी। कहा कि किससे राज शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा राजा, कहा कि तुमसे, मैं तो हूं ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। कहा तुम झूठा नाहक पड़ गया, सन्यासी हूं मैं, सन्यासी शरीर नहीं होता है। कहा बोलेगा फिलॉसफी, तलवार निकाला देखता है, अभी मारेंगे सर धड़ालग हो जाएगा। सन्यासी बड़ा जोर से हंसा, युवक था बड़ा जोर से हंसा, कहा हंस रहा है, कहा कि जी हां, क्यों,
कहा कि सर आपके मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आपकी तलवार चलेगी, मैं जगह दे दूँगा और आपकी तलवार सर को पार कर जाएगी, मेरा सर जमीन पर गिरेगा, मैं भी हंसूँगा और आप भी हंसेंगे। देखिए बसंत का महीना है, आपके यहाँ जो मौलश्री का पेड़ है कुछ फूल जमीन से नीचे गिरे हैं, पेड़ जो है कुछ फूल गिरे हुए पर भी हंस रहा है और जो पेड़ पे फूल लगे हैं उस पर भी हंस रहा है, मैं भी शरीर गिरेगा, मैं हंसूंगा और मैं तो सदा आनंद में रहने वाला हूं, मुझे तो दुख पहुंचाया ही नहीं जा सकता। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा कांप गया और अपने राज कुर्सी से उठकर उसके पैरों में गिर गया। कहा कि ठीक कह रहे हो, तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक कह रहे हो, तुम शरीर में नहीं हो, ठीक कह रहे हो, अब जो है लड़की अपना काम संभाले सन्यासी, मैं भी तुम्हारा चेला बना, तुम्हारे पीछे लग गया। देखो वह राजा था, झटके से वह राजा ज्ञान मिल गया। इसलिए सन्यास तो का मतलब ही होता है कभी शरीर में नहीं। अभी हम लोग इलाहाबाद मध्य प्रदेश और डुमरी गुरुदेव के सानिध्य में रहे। इलाहाबाद में एक अनुभव है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन इसी कुटी में हम बैठे थे, अब बगल में गुरुदेव की कुटी थी, तो ध्यान साधना हो रहा था बहुत दिनों से, तो ऐसे बैठकर मैं विचार कर रहा था कि इस त्रिवेणी संगम में भिन्न भिन्न स्तर के संत साधु और साधकों का सान्निध्य भी है, तो क्यों न कुछ कमियां अपने अंदर जो पकड़ा था, क्यों न गुरुदेव के सान्निध्य में उसको निकाल दिया जाए या उस पर विजय प्राप्त किया जाए। ऐसे ही बैठकर कुटी में चिंतन कर रहा था, तब तक गुरुदेव का आदेश आया कि मुनीश्वर को बुलाओ। मैं गया कुटी में गुरुदेव के, उस समय जो गुरुदेव की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, उस दृष्टि का शब्दों से व्याख्या नहीं किया जा सकता, उस करुणा का, उस प्रेम का शब्दों से हम व्याख्या नहीं कर सकते, न हमारे पास शब्द हैं। कहें क्या सोच रहे हो, मैंने कहा गुरुदेव हमारे अंदर अहंकार और घृणा बहुत ज़्यादा हो गया है, आपकी कृपा हो तो बहुत कृतज्ञ हम आपके रहेंगे, कहें बैठो। बैठाए और प्रेम साधना कराए 20 मिनट, कहे कि ये प्रेम की साधना इसको करो, और उस 20 मिनट में शब्दों से हम नहीं व्याख्या कर सकते उसका, न शब्दों में उसको पिरो सकते हैं, उस 20 मिनट के अनुभव को, कहाँ थे कैसे थे कुछ नहीं पता। जब उठे तो पूरा तन मन करुणा से और प्रेम से परिपूर्ण था, हमने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बोला कि हे गुरुदेव, इस हृदय में चाहे किस भी परिस्थिति जैसी भी हो आप हमेशा वास करते रहें और आपके चरण कमलों की सेवा हमेशा मिलती रहे, यही आपसे कामना करता हूँ। समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री बद्रीनाथ धाम में 3 दिवसीय प्रेम साधना आयोजित की जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय योग साधना शिविर में सम्मिलित होकर आप साधना एवं ध्यान की गहराइयों में डूबने की कला सीख सकते हैं तथा अपने आहार व्यवहार योग ध्यान के माध्यम से असाध्य रोगों से छुटकारा पाने की तकनीक भी प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक साधक अपना रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त तक अवश्य करा लें। संपर्क सूत्र 9968430203।